सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला, एक और भारतीय छात्र यूक्रेन में हुआ हमले का शिकार। वार जोन कीव से आ रहे एक भारतीय छात्र को लगी गोली, वापस ले जाया गया वीके सिंह। शेयर बाजार में गिरावट बढ़ी, सेंसेक्स 700 अंक से ज्यादा टूटकर 54,400 से नीचे, निफ्टी ने तोड़ा 16,300 का स्तर। शिव की नगरी काशी में आज यूपी चुनाव का क्लाइमैक्स, पीएम मोदी करेंगे मेगा रोड शो, तो अखिलेश प्रियंका भी दिखाएंगे दम। यूक्रेन से सकुशल वापस लौटे उत्तराखंड के 46 नागरिक। त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। आइए रुक करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की ओर। मतदान के बाद अब सभी की निगाहें चुनाव परिणाम पर टिक गई हैं। नतीजे को लेकर हर कोई अपने अपने गुड़ा भाग में लगा है। जीत का सहरा किसके सर सजेगा, इसका पता तो 10 मार्च को ईवीएम खुलने के बाद ही लगेगा। जिला प्रशासन ने भी मतगणना की तैयारियां तेज कर ली है। इस बात पर मंथन किया जा रहा है कि मतगणना टेबल को पहले की तरह रखा जाए या इसमें कुछ संशोधन किया जा सकता है। पिछले चुनाव में हर सीट की गणना के लिए 14 टेबल लगाए गए थे, वही एक टेबल रिटर्निंग अधिकारी की थी। खबर बाजपुर से है, जहां यूक्रेन में फंसे एमबीबीएस का छात्र इदरीस का उत्तराखंड बॉर्डर पर बाजपुर एसडीएम, तहसीलदार और परिजनों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान इदरीस ने वतन वापसी को लेकर सरकार और प्रशासन का धन्यवाद दिया और अपनी आपबीती सुनाते हुए, वो खारकीव में था जब रूस ने हमला कर दिया था और वो लोग कई दिनों से बंकर में छिपे रहने को मजबूर थे। वहीं एसडीएम ने बताया कि इदरीस ने यूक्रेन से वापस आने वाली बाजपुर क्षेत्र के पहले छात्र हैं। हमें रेलवे स्टेशन तक छोड़ा, फिर बाय ट्रेन हम बॉर्डर तक पहुँचे, फिर वहाँ से गवर्नमेंट ने सारी फॉर्मेलिटीज़ की, बाकी हमें अच्छी सुविधाएं दी और अच्छे से विदाउट टिकट, विदाउट मतलब फूड का भी कोई कुछ एक्सपेंसेस नहीं था, सब फ्री ऑफ कॉस्ट था और अच्छे से यहाँ से भी हमें ट्रांसपोर्ट दिया गया है। अभी कितने लोग आप आए हो? हम अभी 9 लोग का ग्रुप था हमारी सिटी से जो थे, और कुछ ये लोग जो गाड़ी में हैं। लगभग इदरीस जी, वहाँ पर जैसे छात्रों की लगातार वापसी हो रही है, अभी कितने छात्र लगभग वहाँ पर और हैं जो अभी घर वापसी के लिए आने के लिए? देखिए, हम सबसे पहले हम ही निकले थे 9 लोग, क्योंकि हम अपने ओन रिस्क पे निकले थे। तब तक एम्बेसी ने बोला नहीं था कि खारकीव सिटी वाले निकले, हम अपने ओन रिस्क पे निकले थे। तब 3,000 स्टूडेंट थे खारकीव में। हमारे बाजपुर परगनी के बच्चे फंसे थे वहाँ यूक्रेन में, मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए गए थे, तो जब से वहाँ युद्ध छिड़ा है तब से काफ़ी दिक्कत हो रही थी, तो खारकीव और कीव में ज़्यादा प्रॉब्लम थी, तो वहाँ से इनको इवैक्यूएट करना था। इस संबंध में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट काफ़ी कोशिश में लगी थी और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और मंत्रीगण हैं, सब पूरी कोशिश में थे, अधिकारीगण थे, शासन प्रशासन लगा था, तो आज बड़ी खुशी हो रही है और हम लोग इनके परिजन से लगातार संपर्क में थे, इनसे संपर्क में थे। यूक्रेन से देहरादून पहुंचे छात्रों की जिला प्रशासन की टीम ने स्वागत किया है। अपर जिलाधिकारी एडीएम के मिश्रा ने छात्रों को फूल दिए और उन्हें माला पहनाई। एडीएम के मिश्रा ने सागर सैनी वत्सल्या टिहरी में रहने वाले मनीष राडा और राजपुर निवासी का आईएसबीटी पर स्वागत किया। अपर जिलाधिकारी ने यूक्रेन की हालत के बारे में जानकारी ली। छात्रों ने सरकार की सराहना की। इस दौरान सहायक निदेशक सूचना बद्री चंद नेगी मौजूद रहे। और काफ़ी कठिन परिस्थितियों से हम वहाँ से निकल कर आए हैं और मैं सरकार का, एम्बेसी का और अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का शुक्रिया करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें वहाँ से काफ़ी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई। उन्होंने हम जैसे कि मैं हंगरी से आया हूँ, तो वहाँ पर उन्होंने बसेज अवेलेबल कराई जिससे हम उसके माध्यम से हम बुडापेस्ट की तरफ चले और वहाँ से हम चमोली जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुरार थराली में तैनात डॉक्टर पुनीत गौतम और डॉक्टर शुभम मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया है। वहीं जिला चिकित्सालय गोपेश्वर में तैनात सर्जन डॉक्टर विक्रम और उप जिला चिकित्सालय कर्यप्राण में तैनात रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर उमंग राव ने भी इस्तीफा देने की इच्छा व्यक्त की है, जिसके बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि जिले में चिकित्सकों के 164 पद से 36 चिकित्सकों के पद खाली चल रहे हैं। वहीं विशेषज्ञ चिकित्सकों के 64 पदों में से 44 पर खाली चल रहे हैं।
बिल्कुल, बहुत बड़ा दुर्भाग्य कहेंगे हम इसको चमोली जिले के लिए कि जिस तरीके से जो हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था है पटरी से बिल्कुल उतर चुकी हैं। कई डॉक्टरों ने अभी इस्तीफा दे दिया है और कई अभी जो है अपनी इच्छा जता चुके हैं, यहाँ नौकरी करने को कोई तैयार नहीं है। सरकार को सिर्फ इसमें कुछ निर्णय लेना चाहिए कि पहाड़ों की तरफ डॉक्टर ज़रा बढ़े। जिस तरीके से अब फिर से ये हमारे हॉस्पिटल अब रेफर सेंटर बन चुके हैं, ये बहुत ही आने वाले समय एक बहुत बड़ी चिंता का कारण बन सकता है। डॉक्टरों का इस्तीफा देना हमारे इस सीमांत जिला चमोली के लिए बहुत ही दुर्भाग्य है। एक तो यहाँ पे डॉक्टरों की वैसे भी पहले से कमी है और दूसरे में डॉक्टरों का इस्तीफा देना ये निश्चित तौर पर दुर्भाग्य हमारे इस क्षेत्र के लिए है। और हमारा तो सरकार से भी ये पूछना है कि आपके द्वारा जो बहुत बड़े वादे किए जाते हैं कि हमने डॉक्टर भेज दिए, हमने पूरा स्टाफ भेज दिया है, लेकिन जिला मुख्यालय गोपेश्वर में अभी ये हाल है कि यहाँ पे डॉक्टरों का पलायन हो रहा है। डॉक्टर लोग यहाँ पे से इस्तीफा देके जा रहे हैं। अगर कोई ऐसे कारण होगी जिस कारण से डॉक्टर इस्तीफा देने को मजबूर हो रहे हैं, हमारा निवेदन रहेगा शासन से, प्रशासन के, कि डॉक्टरों की जो मांगें हैं, जो भी उनकी आधारभूत मांगें होंगी, जो उनकी समस्याएं हैं, उनको वो दूर करें। डॉक्टर अमन और जोशीमठ से डॉक्टर गैन जो है वो उन्होंने लिखित रूप से त्यागपत्र नहीं दिया है, वो कुछ समय से अनुपस्थित चल रहे हैं। जैसे कनप्रयाग के जो डॉक्टर उमंग हैं वो पिछले 2 माह से अनुपस्थित चल रहे हैं और डॉक्टर गर्ग जो जोशीमठ से हैं वो लगभग पिछले 4 माह से अनुपस्थित चल रहे हैं। तो जब उनको विकासखंड द्वारा जो है कॉन्टेक्ट किया गया है वापस आने के लिए तो वो अपनी इच्छा मतलब जाहिर। खबर देहरादून से है जहां सहस्त्र धारा रोड पर सिद्धार्थ कॉलेज की छात्रा को गोली मार दी गई, जिसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवती को गंभीर हालत में भर्ती कराया जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि युवती कॉलेज के हॉस्टल में रहती थी और वो अपनी सहेली के साथ हॉस्टल के बाहर कुछ सामान लेने निकली थी, जिसके बाद बाइक सवार युवक छात्रा को जबरन खींचकर बाइक पर बैठाने लगा, जिसका विरोध करने पर बाइक सवार ने छात्रा को गोली मारी और मौके से फरार हो गया। जिला देहरादून के नगर पालिका रॉबर्ट्सपुर के फतेहपुर शिव कॉलोनी में इन दिनों इंटरलॉकिंग टाइलों के द्वारा सड़क निर्माण चल रहा है, जिस पर ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि मानकों को ताक पर रखते हुए सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। वहीं स्थानीय लोगों ने आगे कहा कि सड़क निर्माण के दौरान घरों में जाने वाली पाइपलाइन भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है और नाली भी टूट गई है, जिससे पानी की निकासी नहीं हो पा रही और जगह जगह सड़क पर पानी आ पहुंचा है। क्या समस्या हो रही है सड़क सर? समस्या ये है, सड़क में ना तो गटका डाला गया है, ना कुछ किसी भी तरह का कोई सही तरीके से काम नहीं हो रहा है। सारा तोड़ फोड़ कर दी गई है। जो नालियां हमने बनवाई हुई थी वे भी तोड़ फोड़ कर दी गई है और कह देते हैं कि सड़क के अंतर्गत नहीं आ रहा है ये काम। सिर्फ सड़क सड़क बना के देंगे, जो टूट फूट हुई वो आप लोग करवाएंगे। सारे पानी के कनेक्शन भी तोड़ दिए गए हैं, सब कुछ, सारा काम हम खुद से करवा रहे हैं, कोई कुछ नहीं करवा के दे रहा है। सब जवाब क्या काम करा रहे हैं आप खुद से? सर खुद से ये कनेक्शन भी पानी के ठीक करवा रहे हैं, 4-5 बार तोड़ चुके हैं सारे पानी के कनेक्शन। सब गली वाले अपने आप से ही करवा रहे हैं, कोई करवा के नहीं दे रहा है। सारा कुछ अपने आप से करवाया जा रहा है, सारी नालियां अपने आप ठीक करवाई जा रही है। चमोली के विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए तैनात मतगणना कर्मियों का जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु खुराना की उपस्थिति में पहला रेडीमेड जॉइनेशन NIC कक्ष में हुआ। जिला निर्वाचन अधिकारी ने 287 मतगणना कर्मियों का पहला रेडीमेड जॉइनेशन किया, जिसमें 171 EVM मतगणना कर्मी और 116 पोस्टल बैलेट मतगणना कर्मी शामिल है। जिले की 3 विधानसभाओं की मतगणना 10 मार्च को PG कॉलेज परिसर गोपेश्वर में कराई जाएगी। खबर चमोली से है जहां नारायण बगड़ प्रखंड के सरायू देवास समेत कई गांवों में जंगली जानवरों के आतंक से ग्रामीणों की फसलें खराब हो रही हैं, जिसको लेकर ग्रामीणों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। वहीं इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि गांव की खेती को जंगली जानवरों ने चौपट कर डाली है। यहाँ के अधिकांश पुरुष रोजगार के लिए शहरों की ओर पलायन करने को मजबूर है। शासन प्रशासन से कि हमारे गांव के चारों तरफ घेराबाड़ी हो, तारवाड़ की व्यवस्था हो, ये चाहते हैं हम प्रशासन से। और ना तो हमने कहीं कोई शिकायत दर्ज की है अभी तक, लेकिन ये है कि चाहते हैं कि करें, आगे कुछ करें हम। और हमारा तो गांव भी बहुत दूर है, ना यहाँ पे आने जाने के साधन हैं कुछ, यातायात के साधन भी कुछ नहीं है, रोड ही नहीं है तो यातायात भी कहाँ से होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि प्रशासन शासन हमारी सुने और हमें कुछ मदद दें। खाने पीने के लिए तो है ही नहीं हमारे पास कुछ, खेती में तो हो ही नहीं रहा है कुछ, इसलिए हम चाहते हैं कि शासन।
चमोली में महाशिवरात्रि के महापावन पर्व के पखवाड़े पर महामृत्युंजय महादेव मंदिर देवधुरा पर्वत शिखर पर पहुंचकर शिव भक्तों ने शिवलिंग पर जलाभिषेक चढ़ाकर पूजा अर्चना की। इस अवसर पर भजन कीर्तन कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है। हजारों शिव भक्तों ने अपने आराध्य देव महादेव के दर्शन कर पंडाल में लगे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लिया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में कर्णभूमि कला मंच के कलाकारों ने लोगों का जमकर मनोरंजन किया। मतलब कि पूरी आस्था से लोग आते हैं। पहले से ही मैं जब से यहाँ हूँ तो सुनते आ रही हूँ कि ये मंदिर बना है। पहले तो यहाँ पे छोटा सा मंदिर था, लेकिन अब यहाँ पे बहुत बड़ा मंदिर बन चुका है। जब हमारे 33 ग्रामवासियों का यहाँ पे योगदान रहा तो बहुत बड़ा मंदिर बन चुका है और लोगों की मनोकामना के लिए लोग यहाँ पे आते हैं और फिर शिव भगवान उनकी मनोकामना भी पूर्ण करते हैं। इसलिए लोग यहाँ पे रात को उपवास में आते हैं और इतनी ठंड में लोग यहाँ पे कीर्तन भजन करते हैं और अखंड दीप अपने हाथों पे जलाकर अपनी उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की और ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।